आज DCA फर्स्ट सेमेस्टर वालों का फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का पेपर था और सुबह 9 बजे से वो पेपर होने वाला था। पेपर हो गया है और पेपर होने के बाद यहाँ पर कमेंट आने स्टार्ट हुए हैं। तो ये जो सबसे पहला कमेंट है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर जानकारी दी है, सर DCA फर्स्ट सेम में जो आपने बताया वही आया था, जो भी वीडियो डाला था वही सुबह देख कर गया था, पूरा पेपर अच्छे से गया, थैंक यू सो मच सर। अब PC पैकेज में क्या पढ़ें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे दीजिए, लव यू गुरु। तो ये एक कमेंट आया। इसके बाद मैंने भी पेपर मंगवाया, मैंने कहा कि भाई देखूं, मैं भी देखूं क्या क्या क्वेश्चन है जो आए हुए हैं एग्ज़ाम में फर्स्ट सेम के, जो हमने क्वेश्चन बताए थे क्या उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं या नहीं आए हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन पेपर आ गया है और यहाँ पर जब क्वेश्चन पेपर मैंने देखा एक्चुअली, तो मुझे भी ये चीज़ लगी कि यार 95% मैं कहूँगा वही क्वेश्चन थे जो हमने वीडियो में ऑलरेडी बताए हुए थे। ब्लॉक डायग्राम का मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ के जाना, जिसमें इनपुट डिवाइस होती है, आउटपुट डिवाइस होती है और बीच में CPU होता है। ब्लॉक डायग्राम आया है, माइक्रो मिनी मेन फ्रेम ये हमने बताया था, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ के जाइएगा ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस ये दो चीज़ बोली थी, स्कैनर बोला था बहुत अच्छे से करके जाना ये आएगा, इनपुट और आउटपुट के बारे में भी पूछा गया है। इसके बाद बात करें यहाँ पर आप देखोगे यूनिट थर्ड में VCD DVD जो है ये आपकी जो आपका मैग्नेटिक डिस्क होती है उसके अंतर्गत आता है मेमोरी वाले भाग में, ठीक है। डायरेक्ट सिक्वेंशियल एक्सेस को मैंने समझाया है वीडियो में ऑलरेडी, इसके बारे में जानकारी मैंने दी हुई थी। इसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में भी मैंने जानकारी दी हुई थी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है इसके बारे में। ये दो क्वेश्चन आप देखेंगे यूनिट फिफ्थ से, हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स ये कल भी मैंने समझाया था, और टोपोलॉजी ये दो क्वेश्चन मैंने कल ही समझाए थे और उसमें कहा भी था कि ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ही आएगा। टोपोलॉजी वाले वीडियो में जाकर आप देखेंगे, उसमें मैंने थंबनेल में भी लिखा है कि 100% ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा टोपोलॉजी वाला, और ये क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पर। इसके अलावा कौन कौन से ट्रांसमिशन मीडिया होते हैं, वायरस क्या होते हैं, नंबर सिस्टम ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, और विभिन्न प्रकार के कोड भी दिए गए नंबर सिस्टम से रिलेटेड। तो लगभग 95% अगर बोला जाए कि 90 से 95% जो पेपर है वही आया है जो हमने ऑलरेडी वीडियो के माध्यम से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, वही क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में भी आया है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वो इसलिए आते हैं क्योंकि ये कई सालों से लगातार जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना वो रिवाइज होते जाते। तो उसी चीज़ को देखते हुए, क्योंकि हमारी संस्था 2011 से तोमर कंप्यूटर जो है हम यहाँ पर DCA PGDCA के कोर्सेज करवा रहे हैं, तो अभी पिछले 10-12 सालों में जो चीज़ें हमको देखने को मिलती है, हर 6 महीने में एग्जाम होता है, उसी एक्सपीरियंस के साथ ये क्वेश्चन दिए जाते हैं और वो क्वेश्चन आपको पेपर में दिखाई दे जाते हैं। इस कारण से अगर तैयारी अच्छी करना है तो वीडियो को जरूर देखिएगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से करके जाइएगा, आपका रिजल्ट और बेहतर हो जाएगा।